मिशन 100 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी हमने पिछले वीडियो में छोड़ी थी कि समांतर श्रेणी का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है। आपका जो कैलेंडर होता है वही सबसे बढ़िया उदाहरण होता है समांतर श्रेणी का। जिस कैलेंडर में पहले दिन 1 तारीख आती है, दूसरे दिन 2 तारीख आती है, तीसरे दिन 3 तारीख आती है, चौथे दिन 4 तारीख आती है, पांचवें दिन 5 तारीख आती है। तो हमने देखा कि ये इसका पहला पद है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको A1 या A बोलते हैं। तो यदि क्रम से देखें तो ये A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद। तो हम यदि ध्यान से देखें तो ये दो हमें कब प्राप्त हो रहे हैं, जब हम पहले इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर रहे हैं। यदि दो में से एक घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा, तीन में से दो घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा, चार में से तीन घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा, पांच में से चार घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो निश्चित है, यानी एक एक का अंतर है, तो वही समांतर श्रेणी होती है। जैसा कि हमने कल परिभाषा में सीखा था, ऐसी श्रेणी जिसका आगामी पद यानी अगला पद पिछले पद में एक निश्चित अंतर जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे A1 ये तो पहला पद है ही, A2 कब प्राप्त हो रहा है, जब हम A में क्या जोड़ रहे हैं, D। अब ये D क्या होता है, D आपको बताया कि दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है वही D होता है, इसको सातवें अंतर कहते हैं हम। ध्यान से देखिए, आप 3 कब प्राप्त हो रहा है, जब A में यानी 1 में क्या जोड़े हम, 2D जोड़ दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A में या पीछे वाला पद है जो A2 में क्या जोड़ दें, D जोड़ दें। एक तो ये है कि पहले वाले पद जो पीछे वाला पद है 2 उसमें एक जोड़ दे, 3 आ जाए, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है A+2D। ये A+2D हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या 5.2 में उसमें सीखेंगे। यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको ये सीखना है कि ये वाला जो पद है तीसरा पद, ये क्या है, पीछे वाले पद यानी A2 में D निश्चित जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही A4 क्या है, A3 में D जोड़ दे तो ये एक समांतर श्रेणी हो जाती है। इस एक्सरसाइज में 5.1 एक्सरसाइज में हमें समांतर श्रेणी निकालनी है और जांच करना है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, पहला पद प्रथम पद A कहलाता है, दूसरा पद A2 कहलाता है, तीसरा पद A3 कहलाता है, और किन्हीं आगामी और पिछले दोनों पदों के बीच के अंतर को सर्व अंतर D कहते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है 5.1 का, आपको दे रखा है 6, 9, 12, 15 और फिर आगे डॉट लगा रखा है। इस डॉट का मतलब होता है ये श्रेणी आगे से ही चलती रहेगी, डॉट। तो 6, 9, 12, 15 इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। एक तो इसमें ज्ञात करना है आपको प्रथम पद यानी A। तो जैसे कि पीछे वाली श्रेणी में हमने सीखा था प्रथम पद क्या होता है, सबसे पहला पद ही प्रथम पद होता है। A=6 ज्ञात कर लिया, सवाल हो गया हमारा आधा। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, सातवें अंतर D। अंतर का मतलब डिफरेंस किसका, आगे वाले पद का पीछे वाले पद से। A2 - A1 याद रखिएगा, A3 - A2 भी डिफरेंस होता है, A4 - A3 भी डिफरेंस ही होता है, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद का अंतर ही सार्वय अंतर कहलाता है, 9 - 6 यानी 3। ये सार्व अंतर D है, यहाँ पे 3। तो हो गए दोनों आंसर, बड़े सिंपल से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, -7 - 9 - 11 - 13 डॉट यानी ऐसे जल्दी जा रही है। तो पहला पद हमने याद कर लिया देखते ही निरीक्षण मात्र से कि पहला पद A है वो कितना है, माइनस का 7 है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो D कहलाता है। तो D A2 - A1, एक बात विशेष याद रखना कि यदि कोई समांतर श्रेणी माइनस में ही बढ़ती जा रही है, ये माइनस में बढ़ती जा रही है 7, 9, 11, 13, तो उसमें D हमेशा ही माइनस होगा, ऋणात्मक ही होगा। यदि कोई श्रेणी धनात्मक में बढ़ती जा रही है तो D उसमें धनात्मक होगा, लेकिन यदि कोई श्रेणी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रही है तो उसमें D है वो क्या होगा, प्लस होगा। और इसका उल्टा, यदि कोई श्रेणी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रही है
तो हमेशा ही डी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये तो गैर गणितीय परिभाषा। हम अपनी सामान्य व्यवहार में देखें तो माइनस माइनस का मतलब उधार खाता को बढ़ता ही जा रहा है। अब उधार खाता बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सब अंतर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डी है वो माइनस का होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले तो ऋणात्मक था, पहले 5 रुपए उधार थे, फिर उसने 2 रुपए उधार हो गए, तो ये उधार घटते जा रहे हैं, यानी क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, डी प्लस का हो जाएगा। ऋणात्मक से धनात्मक मान आने पर सर्व अंतर है वो प्लस का होता है। तो ये आपको बताया उदाहरण से। अब इसमें डी क्या होगा, हम फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ए टू कितना है, माइनस नौ, फॉर्मूले में कितना है माइनस, ए वन का मान कितना है माइनस सात, क्योंकि 2 - 1 = 7 आ गए, माइनस और माइनस से प्लस हो गया, माइनस नौ प्लस सात माइनस दो, ये इसका डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स पहला जो सवाल है सारे ऐसे ही सरल से है, मैं एक अंश और हर वाला क्वेश्चन है वो करवा देता हूं जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करवा देता हूं। क्वेश्चन है -1/4, 3/2। एक तो पहले ही देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि माइनस से धनात्मक की ओर आ रही है श्रेणी, यानी डी अब वो प्लस का होगा। एक तो आप देखने मात्र से सीधा ही बता देंगे कि पहला पद कितना है, माइनस का एक है। अब हम डी निकालते हैं, डी यानी सर्व अंतर डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, 1/4 में से क्या घटाना है, माइनस एक घटाना है, 1/4 प्लस एक हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अब जब भी कोई बट्टे वाली संख्या आएगी उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि एलसीएम में दो संख्याओं में से एक संख्या एक है तो एलसीएम कभी लड़ने की जरूरत नहीं होती, सामने वाली संख्या एलसीएम होती है। यहाँ पे 4 और 1 एलसीएम है तो सामने वाली संख्या ही एलसीएम होगी। कब, जब दोनों एलसीएम की संख्याओं में से कोई भी एक संख्या एक हो तो सामने वाली संख्या एलसीएम होती है। चाहे तिरछा गुणा कर दो, एक को एक से गुणा कर दो एक, और चार को एक से गुणा कर दो चार, तो डिफरेंस कितना जाएगा, 5/4। ऐसा भी सही है, इस चार में जो एलसीएम है इस चार का भाग लगाओगे एक आएगा, इस एक को एक से गुणा करेंगे एक रहेगा, इस चार में फिर एक का भाग लगाएंगे चार आएगा, चार को एक से गुणा करेंगे चार रहेगा, 5/4। ये अपना सवाल था। तो ये सरल सा पहला क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का। अब हम चलते हैं आगे समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले से जो अभी हम ज्ञात कर रहे थे वो दिया हुआ है, यानी ए और डी दिए हुए हैं हमें, ए बराबर -1 दिया हुआ है और डी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और हमें ये कह रहा है कि श्रेणी इसकी ज्ञात करो। यानी पहला जो क्वेश्चन था उसका ये विपरीत क्वेश्चन है। इसके हमें चार पद ज्ञात करने, उसमें 4 दिए हुए थे, ए और डी ज्ञात करना था, इसमें ए और डी दिए हुए, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो याद रखना ये तो प्रथम पद है, ए आ गया हमारे पास में -1, तो द्वितीय पद कैसे आएगा, ए टू आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होता है, पिछले पद यानी ए में। जब क्या जोड़ दिया हमें, सर्व अंतर डी जोड़ दिया, ए प्लस डी, -1 + 1/2, -1 में आधा जोड़ना है, कहने का मतलब है एक में से आधा घटाना पड़ेगा। यदि आपके पास में एक तरफ बट्टा हो एक तरफ ना हो तो उसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसकी बट्टे में संख्या में एक लगा दो। 2 और 1 का एलसीएम अभी आपको बताया था, जब किसी संख्या के बट्टे में एक होता है तो सामने वाली संख्या एलसीएम होती है, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी चल जाएगा। 2 को -1 से गुणा कर देंगे -2, 1 को 1 से गुणा कर देंगे 1। अब 2 और 1 घट जाएंगे क्योंकि 1 माइनस का और 1 प्लस का है। जब भी 2 विपरीत निशान जोड़ बाकी में बैठे हों तो सदैव क्या होती है, घटाव होता है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत निशान है, ये -2 है ये +1 है। जब भी 2 संख्याएं विपरीत निशान की बैठी हो तो जोड़ बाकी में हमेशा बाकी होती है, यानी 2 में से 1 घट जाएगा 1/2। लेकिन मैंने पूरा नहीं बताया अभी तक, निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का यानी 2 का, -1/2। तो ये हमारे पास में द्वितीय पद आ गया, ए 3 याद करते हैं,
बताया था आपको ए थ्री क्या होता है, अगला पद यानी तीसरा पद कब आएगा, जब पिछले पद यानी ए टू में क्या जुड़ेंगे, सार्वभौमिक अंतर डी। तो ए टू हमारे पास आया माइनस का आधा, डी हमारे पास है प्लस का आधा। ये तो आप जानते हो जब एक जैसी संख्याएं, जब एक माइनस की एक प्लस की हो तो शून्य आ जाता है। ए फोर याद करते हैं हम, ए फोर कब आएगा, जब पिछले पद यानी ए थ्री में क्या जोड़ेंगे, सर्वांतर डी जोड़ेंगे। जीरो में आधा आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी संख्या में जब जीरो जोड़ते हैं या घटाते हैं संख्या पे कोई फर्क नहीं रहता, वो संख्या सेम की सेम आती है, आधा आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5.1 एक्सरसाइज में। आगे चलते हैं हम, किसी का मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, छठा क्वेश्चन। वैसे तो पॉइंट के दो है लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है तो ये करवा देता हूं। ए बराबर माइनस का 1.25 दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है माइनस का 0.25। हल करना है, द्वितीय पद निकालते हैं हम। ए टू आपको पता है द्वितीय पद कब आएगा, जब पहले पद में d जोड़ेंगे। पहला पद कितना है माइनस का 1.25, द्वितीय पद कितना है माइनस का 0.25। ये माइनस की संख्या है तो ये दोनों, ये निशान प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। आपको जोड़ बाकी सिखाई थी, फिर से बता देता हूं दोनों ही। अच्छा, अभी मैंने बताया था जोड़ बाकी में जब विपरीत निशान होते हैं तो सदैव बाकी होती है, और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सदैव एक जैसे निशान पर जोड़ होता है, और निशान तो हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है जब जोड़ और बाकी करनी होती है। तो ये दोनों एक जैसी संख्या है ना, तब निशान क्या आएगा, बड़ी संख्या का ही आएगा, और यहाँ पे दोनों एक जैसे, इसलिए क्या हो जाएगा घटाव, तो सॉरी दोनों एक जैसे इसलिए क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। ये हमें माध्यमिक बहुलक में सीखे थे, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा के, पांच में पांच जोड़ेंगे दस हो जाएंगे, दो में चार जोड़ेंगे एक कैरी है पांच, यहाँ पे कैरी है नहीं, निशान माइनस का ही रहना है। ये अपना आंसर है माइनस का 1.50। किसी को ज्यादा ही डिफिकल्ट लगे, मान लो दशमलव है ही नहीं, 125 माइनस के हैं और 25 माइनस के हैं, 125 और 25 दोनों ही माइनस के, ये इसके हो जाएंगे 150 जाएंगे माइनस के। अब पॉइंट के बाद में संख्याएं दोनों में दो दो अंक है तो 150 में दो अंक गिन के फिर पॉइंट बिठा दिया, ये भी सरल है। ए थ्री याद करते हैं, पीछे वाले पद ए टू में क्या जोड़ेंगे, डी। ए टू क्या निकाला था हमने, माइनस का 1.50 और डी तो हमारे पहले से फिक्स है माइनस का 0.25। तो ये भी दोनों संख्याएं कैसी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। आपको बताया था जब भी माइनस की संख्या दोनों एक जैसी हो निशान माइनस का आता है और दोनों का जोड़ होता है, 150 और 25 175, लेकिन दशमलव दो अंकों के बाद है इसलिए दो अंकों से पहले पांच और सात से पहले दशमलव लग जाएगा। फाइनल आंसर है माइनस का 1.75, आप ऐसे भी मिला लीजिएगा, यही आंसर आना है। ए फोर निकालते हैं इसका, ए थ्री प्लस डी। ए थ्री कितना प्राप्त किया था, माइनस का 1.75, डी कितना प्राप्त किया, माइनस का 0.25, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1.75 और माइनस का 0.25 दोनों जुड़ेंगे, 175 और 25 मान लो पॉइंट का डर लगता है तो कितने होंगे 200, वो भी माइनस के, दो अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से ये हमने समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन कर लिया। पहले क्वेश्चन में टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है, मैंने 3 करवाए थे, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास में 6 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन है वो आप ही हल कीजिएगा। बड़े ही सिंपल से ही क्वेश्चन है, एक छठा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, मौखिक बता रहा हूँ, करना आपको ये है। ए बराबर 20 दिया हुआ है, डी बराबर माइनस 3/4 दिया हुआ है। ए टू कैसे आएगा, 20 में 3/4 जोड़ने हैं लेकिन डी माइनस, इसलिए घटाने पड़ेंगे, 20 माइनस 3/4, 20 के बटे में 1 लगा देंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस 3,
77/4 आपके तीनों पद आप याद करना। तो इस तरीके से ये थे सिंपल से क्वेश्चन। अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि आपको जो श्रेणी दी हुई है वह एपी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि जो एपी आपको दी हुई है, सॉरी जो श्रेणी आपको दी हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये जांच करो। जैसे कि पहला क्वेश्चन 2.5/2, 3.7/2 और ऐसे डॉट लिख दिया और ये कह रहा है कि इसकी जांच करो कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं। जब भी समांतर श्रेणी की जांच करेंगे हम दो बार सर्वांतर डी निकालेंगे और ये दोनों सर्वांतर डी समान है तो हम कहेंगे कि ये पी है अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम तीन पद लिख लेते हैं। A1 कितना है, पहला पद 2। A2 कितना है, दूसरा पद 5/2। A3 कितना है, तीसरा पद यानी 3। अब हम क्या करेंगे, दो बार डी निकालेंगे। जैसा कि आपको बताया मैंने पहले, दूसरे पद में से पहला पद 5/2 में से 2 घटा देंगे। अब 2 के बट्टे में 1 नहीं है तो 2/1 लिख देंगे। आपको बताया ये आगे चल के बहुत बार आने वाला है, जब भी किसी संख्या के बट्टे में 1 हो तो एलसीएम क्या आती है, सामने वाली संख्या यानी 2। और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 1 से गुणा करने पे 5, 2 को 2 से गुणा करने पे 4। यानी इन दो पदों के बीच का जो सार्वभौमिक d है वो कितना, 1/2 है। ये तो हमने एक ही जांच किया। अब हम एक और जांच करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे। इस 3 के बट्टे में 1 लगा लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आपको बताया था 2, 2 का और 3 का गुणा हो जाएगा 6, 5 और 1 का गुणा हो जाएगा 5, 6 में से 5 घट जाएंगे, डी बराबर 1/2। हम कह सकते हैं यहां A3 - A2 = A2 - A1 = 1/2, अतः यह समांतर श्रेणी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं, एपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। अतः यह क्या है, एक एपी है, यह है एक एपी है। प्रश्न में एक और कंडीशन दी हुई है कि पहले तो जांच करो कि क्या वह एपी है। यदि एपी निकल जाए जांच करने के बाद में तो आगे के उसके क्या करो, 4 पद और ज्ञात करो। तो 4 पद ज्ञात करेंगे तो हमें 4 पद यानी A4 तक तो दिया हुआ था और उससे आगे के 4 पद यानी A5, A6, A7, A8 और ज्ञात करने हैं। A5 ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला आपको बताया था A5 कब ज्ञात होगा, जब इससे पिछले वाले पद यानी A4 में क्या जुड़ जाएगा, D जुड़ जाएगा। तो A4 कौन सा है, 7/2 हमें दिया हुआ है और D कौन सा है, 1/2। ये आपके पास में एक और प्रकार आ रहा है एलसीएम का, जब हर एक समान हो। ये और ही ज्यादा सिंपल है, जब हर एक समान हो तो दोनों में से एक बार लिखना है, 2 का 2 लिखा जाएगा और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम लिखी जानी है, 8/2 यानी 4। ये एलसीएम का एक और प्रकार है। एलसीएम विशेषकर दो ही प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे पहले प्रकार का एलसीएम है कि जब बट्टे वाली संख्या यानी हर एक जैसे हो तो क्या होता है, दोनों में से एक बार उतार दो वो एलसीएम आएगा, ऊपर वाली संख्या सेम की सेम। A6 ज्ञात कर लेते हैं, पीछे वाला पद यानी A5 उसमें D जोड़ देते हैं। A5 कितना था, 4, उसमें D यानी 1/2 जोड़ना है तो इसके बट्टे में 1 लगा के फिर जोड़ लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था जब 1 होता है तो एलसीएम सामने वाली संख्या यानी 2 आ जाएगी, 2 और 4 का गुणा 8, 1 और 1 का गुणा 1, 9/2। A7 ज्ञात करते हैं, A7 कब ज्ञात होगा, A6 में D जोड़ेंगे, A6 हमने प्राप्त कर लिया, 9/2 उसमें क्या, 1/2 जोड़ेंगे, 2 एलसीएम, 9 + 1 10/2 यानी 5। एक और पद A8 कब होगा, जब A7 में यानी 5 में क्या जोड़ेंगे, D यानी 1/2, तो इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 + 1 11 है बट्टे 2। हमने इस समांतर श्रेणी के अन्य पद ज्ञात कर दिए, क्या है, 4
9 बटा 2, 5 और 11 बटे 2। उतारिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सभी वीडियोस को बड़े ही लगाव से और ध्यान से देख रहे हैं और इन सभी वीडियो को आगे भी शेयर कर रहे हैं। आगे शेयर करने की इसलिए जरूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपका कोई स्टूडेंट साथी है, फ्रेंड्स है और उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है कि लॉकडाउन के समय बाहर निकल के पढ़ सके, तो ऑनलाइन स्टडी घर पे बैठे स्टडी भी कर सके। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये था हमारा समांतर श्रेणी चेक करने का क्वेश्चन। तो इसमें और भी यदि कोई समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है तो हम उनको चेक करते हैं। ये था तीसरे का पहला क्वेश्चन, अब मैं करवा रहा हूं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी है। सारे पद एक जैसे हैं, जब सारे पद एक जैसे होते हैं तो समांतर श्रेणी तो होती है, लेकिन d बराबर क्या होता है, शून्य है, d बराबर जीरो है उसमें। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है a कोमा a स्क्वायर कोमा a की घात 3 a की घात 4 डॉट डॉट डॉट, यानी सो ऑन, इसको सो ऑन भी बोलते हैं। तो पहला पद कितना है a, दूसरा पद कितना है a स्क्वायर, तीसरा पद कितना है a क्यूब, बस तीन ही पद लिख रहे हैं। सबसे पहले हम पहला d याद करते हैं, a2 में से a1 घटाते हैं, a स्क्वायर में से a, याद रखना कि घातें कभी भी आपस में घटती या जुड़ती नहीं है जब असमान हो, a स्क्वायर में से a कभी भी नहीं घटेगा। तो प्रयास करना है कि कुछ कॉमन आ जाए, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन आ रहा है, तो शेष फल क्या बचेगा, जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो भाग लगाते हैं, भाग वाली प्रोसेस हम 3.2 एक्सरसाइज में भी सीखेंगे। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर और ए दोनों में से जो एक जैसा होता है उसको कॉमन निकालना कहते हैं ए, नाइन्थ में आप गुणनखंड में भी सीख के आए हो। ये हमने ए कॉमन निकाल लिया, बाकी जो बचता है वो भाग देने पर, अब ए स्क्वायर में से ए निकाल लिया तो क्या बचेगा, ए का भाग लगाओ, ए का दो है यानी ए बच जाएगा, माइनस ए में जब ए का भाग लगाए तो कितना बचेगा एक, तो ये हमारे पास में पहला डी प्राप्त हो गया, कितना ए ब्रैकेट ए माइनस वन। अब हम एक और डी निकालते हैं वो इसके समान आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पी है अन्यथा नहीं है। ए थ्री कितना है ए की घात 3, ए टू कितना है ए की घात 2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, जो दो संख्याएं एक जैसी है घातों में छोटी घात है वो कॉमन आती है, यहाँ पे छोटी घात ए थी ए कॉमन आई, यहाँ पे छोटी घात ए की घात 2 है वो कॉमन आ गई। बचेगा क्या, मैंने आपको बताया जब भी शेषफल निकालना होता है कि कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, जो कॉमन लिया उसका भाग लगा दो, ए की घात 3 में ए की घात 2 का भाग लगाने पे ए आता है भाग में, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का भाग लगा दो कितना आएगा एक। इस तरीके से यहाँ पे जो डी प्राप्त हुआ वो कितना है ए स्क्वायर ए माइनस वन। चेक कीजिए क्या ये दोनों एक जैसे हैं, बताओ आप क्या ये दोनों एक जैसे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ब्रैकेट के अंदर तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन ब्रैकेट से बाहर दोनों अलग अलग हैं। कहेंगे हम यहाँ ए थ्री माइनस ए टू नॉट इक्वल ए टू माइनस ए वन, अतः यह ए पी नहीं है, आंसर है अतः यह ए पी नहीं है। स्टूडेंट्स आपको लगातार वीडियो भेजे जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देखकर अच्छी तरीके से मैथ्स को समझ पा रहे हैं। मेरा जो प्रयास है वो है कि आप खुद जो क्वेश्चन है उनको हल करना सीखो। आपने देखा होगा कि बहुत कम क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूं और ज्यादातर आपके लिए छोड़ता हूं, और बहुत सारे लड़कों के जो आंसर है वो मुझे प्राप्त होते हैं तो थोड़ी ये तसल्ली होती है कि निश्चित रूप से स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6,
डॉट 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 यानी सो और ऐसे ही चलती जा रही है, चेक करनी है एपीआई यानी है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम। अनरूट तीन, इस अनरूट छह को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि एक बात इसे ध्यान रखना आगे चल के भी आपके काम आएगी, यदि अनरूट की संख्या एक जैसी नहीं होना, वो आपस में कभी घट नहीं सकती। अब तीन है, ये छह है, ये नौ है, बारह, ये सारी अलग अलग अनरूट की संख्या है। एक जैसे अनरूट की संख्या होती है तो वो घट जाती है, नहीं था घटती नहीं है। तो ये एक जैसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इस छह को मैंने तीन गुणा दो लिख दिया, इस नौ को मैंने तीन गुणा तीन लिख दिया, इस बारह को मैंने तीन गुणा चार लिख दिया, बन गई ये एक जैसी, सभी में अनरूट तीन आ गया। A1 कितना बन गया, अनरूट तीन। A2 कितना बन गया, अनरूट तीन गुणा अनरूट दो। A3 कितना बन गया, अनरूट तीन गुणा अनरूट तीन। सबसे पहले हम D निकालते हैं और A2 में से A1 घटाते हैं, अनरूट तीन गुणा अनरूट दो में से अनरूट तीन घटा लेते हैं। जैसे हमने अभी A वाला क्वेश्चन किया था, वहां A कॉमन आ रहा था, यहाँ आप ध्यान से देख लो अनरूट तीन कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ जो कॉमन होता है जैसा होता है वो कॉमन, अनरूट तीन। बच क्या जाएगा इसमें, इसका भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, अनरूट तीन, और इस अनरूट तीन में इसका भाग लगाएंगे तो एक। ये हमारे पास में सार्वभौमिक डी प्राप्त हो गया, अनरूट तीन ब्रैकेट अनरूट दो माइनस एक, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल दिया, क्या बचा अनरूट दो, इसमें से ये पूरा कॉमन निकाल दिया। जब भी कॉमन निकालते हैं सेम का सेम कॉमन आ जाएगा तो हमेशा ही वहां पे एक बचेगा। दूसरा और डी बराबर A3 माइनस A2, A3 हमारे पास में कितना है अनरूट तीन गुणा अनरूट तीन, माइनस A2 कितना है अनरूट दो गुणा अनरूट दो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस से कॉमन क्या होता है, माइनस से पहले माइनस के बाद, प्लस से पहले या प्लस के बाद, एक जैसी जो संख्या होती है वो कॉमन होती है। तो आप लगा लो दिमाग, इन दोनों संख्याओं में से माइनस से पहले और माइनस के बाद एक जैसा क्या है, अनरूट तीन, ये कॉमन है। पीछे जो बच गया कॉमन लेने के बाद वो ब्रैकेट में दिखाना है, अनरूट दो थे तीन, तो एक हमने निकाल लिया तो एक यहां बच गया, माइनस का निशान, यहां पे अनरूट तीन कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया अनरूट दो। तो अब ये दोनों चेक कीजिए क्या एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है ना, वही आंसर यहां A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1, अतः यह है AP नहीं है। उतारिए स्टूडेंट, अतः यह AP नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप हल कर सकते हो और वे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसी पर आधारित एक और आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आप यहां पे कंफ्यूज ज्यादा हो गए, अनरूट दो अनरूट आठ अनरूट अठारह अनरूट बत्तीस, चेक करना है क्या यह एक AP है। आपको बताया एक जैसे अनरूट जब तक नहीं आएंगे घटेंगे नहीं। सबसे पहले अनरूट दो है, इसी के आधार पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस अनरूट दो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार गुणा अनरूट दो, देख सकते हैं चार इंटू दो आठ होता है। अनरूट अठारह को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप चलो इसको अनरूट के अंदर ही लिख दो, चार गुणा दो। इसको मैं ऐसे लिख दू नौ गुणा दो, और इस 32 को लिख दू 16 गुणा 2 डॉट डॉट डॉट। वहां पे जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या थी, तीन गुणा दो तीन का अनुरूप था, पूरा पूरा पूर्ण वर्ग संख्या दी थी हमने। प्रायिकता वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, टेस्ट लिया था तब, कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता याद करो, पूर्ण वर्ग संख्या वहां पे क्या थी, एक की स्क्वायर यानी एक, दो की स्क्वायर यानी चार, एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस उनचास 64 64 81, ये संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये अनरूट से बाहर आ सकती है, क्या बनकर, दो बनकर। नौ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या बाहर आ जाएगी, तीन बनकर, तीन अनरूट दो। सोलह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या बनकर, चार बनकर, अनरूट से बाहर आ जाएगी। और दो, सभी ये दो अनरूट पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं तो अनरूट के अंदर ही रहेगी। अब हमारा सवाल ऐसे चेंज हो गया, A1 बराबर अनरूट दो, A2 बराबर दो अनरूट दो, A3 बराबर तीन अनरूट दो। अब एक जैसे है ना ये, अब ये घट जाएंगे, D बराबर A2 माइनस A1, दो अनरूट दो में से एक अनरूट दो। विशेष याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि जब भी एक जैसी अनरूट की संख्याएं होती है
तो वो जुड़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। आगे चल के हमारे पास में ऐसे ही जुड़ बाकी और क्वेश्चन में भी आएंगे, वहां पे भी याद रखना इस बात को कि जब भी अंडररूट की एक जैसी संख्याएं हो तभी वो जुड़ सकती है और घट सकती है। गुणा किसी भी संख्याओं का हो सकता है, अंडररूट की कोई फर्क नहीं होता, लेकिन घटाव किनका होता है, एक जैसी संख्याओं का सरलता से घटाव हो जाता है। और याद रखना कि जब भी घटाव होता है तो अंडररूट में फर्क नहीं होता, दो अंडररूट दो में से जब भी हम अंडररूट दो घटाएंगे तो अंडररूट दो ही आएगा परिणाम, फिर घटेगा क्या? आपको कहा कि घटा होता है, घटेंगे उनके गुणांक। अंडररूट दो का गुणांक इसका कितना है? दो। इसका कितना है? कोई नहीं है, यानी एक शब्द का मान लीजिए एक है, इसका अंडररूट जो अंडररूट दो का गुणांक है वो एक है, तो दो में से ये एक घट जाएगा, दो में से एक घटता है तो एक आता है, ये सारा अंतर डी रह गया हमारा। एक और चेक करते हैं, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है? तीन अंडररूट दो, ए टू कितना है? दो अंडररूट दो। आपको क्या बताया, जब भी एक जैसी संख्या अंडररूट में वो घट जाती है और अंडररूट में फर्क नहीं पड़ता, अंडररूट दो में से अंडररूट दो जा रहा है, अंडररूट दो बचेगा तो घटेंगे कौन? गुणांक। गुणांक अंडररूट दो का गुणांक तीन है, इस अंडररूट दो का गुणांक दो है, तीन में से दो घट जाएगा, एक एक लिखना नहीं है, दोनों के सार्वांतर समान है क्या? है ना, दोनों के सार्वांतर समान। ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए टू माइनस ए वन बराबर अंडररूट दो, अतः यह एपी है, ये एपी है, तो इसके आगे के पांच पद वो याद करने पड़ेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये ए फोर प्लस डी, ए फोर हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना वो देखना है, हमें क्वेश्चन में कितना है ए फोर, चार अंडररूट दो है और डी कितना है हमने निकाला है अंडररूट दो। आपको बताया था जोड़ और बाकी अंडररूट की एक जैसी संख्याओं की हो सकती है, यहाँ पे जोड़ भी जाएंगे क्योंकि इसके पीछे भी अंडररूट बैठा है, इसके भी अंडररूट पीछे बैठा है। ये भी आपको बताया कि जब जोड़ और बाकी होती है तो अंडररूट पे फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क किससे पड़ेगा, ये चार और ये एक, पांच अंडररूट दो। ए सिक्स याद करते हैं, ए फाइव प्लस बी, सॉरी यहाँ पे एक बात हम भूल गए कि जहां पे मेन क्वेश्चन था ना वो सारी संख्या अंडररूट के अंदर थी, तो ये सारी संख्या अंडररूट में है नहीं, पांच अंडररूट दो पांच कहां अंडररूट में, तो हम पांच को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे यार अपना दिमाग लगाना कि जब पांच अंडररूट में जाएगा तो उसकी स्क्वायर पच्चीस आ जाएगी, पच्चीस गुणा दो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सोलह बार आया था चार बनकर, तो चार जब अंदर जाएगा तो सोलह बनेगा, इसलिए पांच अंदर जाएगा तो पच्चीस बन जाएगा। ए फाइव प्लस बी, ए फाइव कितना, पांच अंडररूट दो, बी कितना अंडररूट दो, जुड़ के कितना आ जाएगा, छह अंडररूट दो, छह अंदर जाएंगे छत्तीस, छत्तीस गुणा दो, ए सिक्स का मान अंडररूट दो होता है। ए सेवन, ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स हमारे छह अंडररूट दो, डी हमारे अंडररूट दो, दोनों जुड़ जाएंगे सात अंडररूट दो, सात अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा उनचास, उनचास गुना दो यानी अठानवे ये आ जाएगा। और एक और निकाल लेते हैं, ए एट, ए सेवन प्लस डी, ए सेवन हमारे पास में सात अंडरूट दो, डी हमारे पास में अंडरूट दो, दोनों जुड़ जाएंगे आठ अंडरूट दो, आठ अंदर चला जाएगा चौसठ गुना दो, अंडरूट एक सौ अट्ठाईस। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो मान है चार वो हमें क्या प्राप्त हुए, अंडरूट पचास, अंडरूट बहत्तर, अंडरूट अठानवे और अंडरूट एक सौ अट्ठाईस, तो ये चार मान हमें प्राप्त हो गए। स्टूडेंट ये था हमारा समांतर श्रेणी एपी की 5.1 साइज। इस तीसरे क्वेश्चन में टोटल आठ क्वेश्चन है जिसमें से चार क्वेश्चन है वो मैंने आपको हल करवाए हैं, चार है वो आपके लिए, जिसमें से एक तो डी बराबर जीरो वाला, यानी तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लिए कीजिएगा, कल हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। धन्यवाद स्टूडेंट्स।